कौन कौन से प्लेयर हैं शेयर मार्केट में, और लास्ट में आप लोगों को 5 शेयर बताऊंगा जो मेरे रेकमेंडेड हैं, जिनको आप खरीद सकते हो, फ्यूचर उनका काफी ब्राइट है। तो सबसे पहले एफएमसीजी सेक्टर, 7 सेक्टर, सेक्टर को भी समझो, कई बार सेक्टर से समझ में आता है। एफएमसीजी सेक्टर का मतलब क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी चीजें जो आपके घर में काम आती है, बिस्किट्स हो गए, चाय हो गई, चाय पत्ती हो गई, नमक हो गया, समझ रहे हो, नॉर्मल चीजें, साबुन हो गया, ये कंपनियां जो बनाती हैं वो एफएमसीजी में आती हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं? ये सारा भंडार है, ये सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं। लेकिन उनमें टॉप 3 प्लेयर कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहला प्लेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफी महंगा शेयर है, लेकिन इसको गोल्ड चिप, इसको ब्लू चिप शेयर कहते हैं, जब भी मौका मिले। और इसको जरा समझो, एक शेयर 2367 रुपीज का है। अब देखो पिछले पांच सालों में ये शेयर 1486 रुपए ऊपर चला गया। 5 सालों के अंदर एक शेयर का प्राइस 1486 रुपए ऊपर चला गया। तो आप सोचो कि कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं, जिसने 5 साल पहले लगाया होगा पैसा, उसने कितने रुपए लगाए होंगे? उसने 900 रुपए लगाए, एक शेयर 900 रुपए का था 5 साल पहले, 900 रुपए के करीब। 5 साल बाद ये एक शेयर 2300 रुपए का हो गया। इसलिए बोलते हैं कि ये शेयर जो है ना निफ्टी 50 में आते हैं, बीएसई 30 में आते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न देता है, 168% की रिटर्न है। ओ माय गॉड, खूब पैसा जिन्होंने अभी तक भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के 5 साल पहले शेयर खरीदे थे, अभी भी खरीद के रखते हैं, तो वो तो अभी तक अरबपति हो चुके होंगे, ठीक है। तो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। लेकिन एक और टॉप में आता है, बट इसके शेयर प्राइसेस कभी भी वेरी नहीं होते, डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, आईटीसी का शेयर 208 रुपए का एक शेयर है, लेकिन इसके शेयर प्राइस पिछले 5 साल में 31 रुपए घट गया। लेकिन आप इससे मत घबराओ, इसका डिविडेंड बहुत अच्छा होता है, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आईटीसी के लोग, आईटीसी कंपनी और उनके प्रोडक्ट के लोग दीवाने हैं, आईटीसी को होल्ड करके रखते हैं। ऐसा बोलते हैं कि आईटीसी का कब किस्मत बदल जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने होल्ड में करके रखो आईटीसी के शेयर, है ना। तो ये आईटीसी टॉप 3 कंपनीज में आता है एफएमसीजी के अंदर। भाई तीसरी कंपनी है नेस्ले, बहुत महंगा शेयर है बट टॉप 3 में आता है। पर अगर आप देखो इसने किस तरह से लोगों को करोड़पति बनाया, 17,530 रुपए का अभी शेयर है। 5 साल पहले ये शेयर कितने का था पता है आपको? 6,000 रुपए का। यानी 5 साल के अंदर अंदर ये शेयर 11,000 का जंप मारा है इसने, 11,000 रुपयों का 5 साल में जंप मारा है। 5 साल पहले जिसने नेस्ले का शेयर खरीदा होगा 6,000 रुपए के लगभग खरीदा होगा, 6,000 से 5 साल बाद आज ये शेयर 17,530 रुपए का हो चुका है। जरा सोचो वो किस तरह से पैसा कमाया होगा उन लोगों ने जिन्होंने नेस्ले का शेयर खरीदा होगा। आज तो बहुत महंगा है, 17,530 रुपए का एक शेयर है, कैसे खरीदें, है ना, समस्या होती है। बट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये आपको, आपके लिए ब्लू चिप शेयर है, कोई खरीदेगा तो मजा आ जाएगा, बट मैं रेकमेंड अभी नहीं करूंगा क्योंकि बहुत महंगा शेयर है। बैंकिंग सेक्टर पर आते हैं, दूसरा सेक्टर होता है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें सारे बैंक्स हैं आपके सामने, लेकिन इसमें टॉप प्लेयर्स कौन से, जरा उसको चेक कर लेते हैं। टॉप प्लेयर्स में सबसे पहला जो प्लेयर है, जो नंबर 1 पे आता है, वो HDFC है। HDFC बैंक अभी शेयर का प्राइस चल रहा है 1487 रुपए। 5 साल पहले ये शेयर कितने का था पता है? HDFC का शेयर अगर किसी ने 5 साल पहले खरीदा होगा तो मात्र 500 रुपए का शेयर, 500 रुपए का। सोचो जरा रिटर्न देखो, 5 साल के अंदर अंदर वो शेयर 500 रुपए से 1487 रुपए का हो गया। हर एक शेयर पर 900 रुपए का बेनिफिट मिला है, तो आप सोचो कि जरा 154% का रिटर्न दिया है इसने। और आज भी शेयर महंगा नहीं है, 1487 रुपए महंगा नहीं है, हाँ, बट अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए महंगा है ही। एक और शेयर है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा ने पिछले 5 साल में 1,000 रुपए की जंप लगाई है, यानी कि शेयर मात्र मुश्किल से कोई 700 रुपए का शेयर होगा 5 साल पहले, अभी ये 1792 रुपए का शेयर है कोटक महिंद्रा। ये टॉप प्लेयर्स में, और ICICI बैंक, ये मेरा फेवरेट है, और हर किसी को ICICI बैंक में जरूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा है तो। पिछले 5 सालों में ये शेयर 400 रुपए बढ़ गया, यानी कि 5 साल पहले ICICI का शेयर मात्र 150-200 रुपए का था। सोचो जरा, मतलब 200 रुपए का शेयर, समझ रहे हो, ICICI बैंक का शेयर 5 साल पहले 200 रुपए का था, अभी 636 रुपए का, और इसकी ग्रोथ बहुत पॉसिबल है। ये बैंकिंग सेक्टर कहलाता है और इनके ये टॉप शेयर्स हैं। इसके बाद आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर की ये कंपनी पिछली बार बता नहीं पाया था, सन फार्मा, अरोबिंदो, पिरामिल, है ना, आंट्स, जाइडस, ये सारी, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये सारी फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर का क्या मतलब है? ऐसी कंपनी जो कि क्या कहते हैं, दवाइयाँ बनाती हैं, ठीक है। सो मेडिसिन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में वो शामिल होती हैं। और मेडिसिन, आपको भी पता है कि सेक्टर का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सेक्टर जिस जो जैसे कई सेक्टर है ना, कुछ ही टाइम तक बूम पर रहते हैं फिर फेल हो जाते हैं, है ना। लेकिन दवाइयों वाला सेक्टर आपको लगता है कभी फेल होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंसान बीमार होता रहेगा, उसे ठीक होने के लिए दवाइयाँ चाहती रहेंगी, मतलब उसे चाहिए रहेगा,
तो सेक्टर जो फेल ना हो, जिसको लोग लगता है कि यार देखो एफएमसीजी सेक्टर का भी फेल नहीं हो सकता यार, खाने पीने की चीजें तो चाहिए, चाहे कोरोना हो नहीं हो, लॉकडाउन हो नहीं हो, समझ रहे हो, दवाइयां चाहिए चाहिए, तो इसमें टॉप प्लेयर कौन है? अरोबिंदो फार्मा, ठीक है। 1012 रुपए का शेयर है, पिछले 5 सालों में 284 रुपए बढ़ गया ये शेयर, ठीक है। सिप्ला, सिप्ला की दवाइयां सभी ने खाई होंगी, पिछले 5 साल में 481 रुपए की जंप आई है सिप्ला के शेयर प्राइस में, 967 रुपीज का शेयर है। और फिर आता है डॉक्टर रेड्डी, काफी महंगा शेयर है ये, पिछले 5 सालों में 2400 रुपए बढ़ गया है शेयर, 5 सालों में 2400 रुपए बढ़ा है ये डॉक्टर रेड्डी। और अभी जो कोरोना की वैक्सीन आई है उसके हिसाब से, तो क्योंकि स्पुतनिक भी शायद यही बना रहा है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही करेगा, शायद बना नहीं रहा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर रेड्डी करेगा, इसलिए आज इसमें बूम देखा जा रहा है, पिछले 5 सालों में काफी अच्छा रिटर्न है, ठीक है। फार्मा सेक्टर के बाद ऑटो सेक्टर, सेक्टर क्यों जानना जरूरी है मैंने आपको बता दिया। अब ऑटो सेक्टर में देखो ये सारी कंपनीज हैं, ऑटो सेक्टर भी कभी मुझे नहीं लगता हर किसी को बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंसान पैदल चल के, तो यहाँ से ऐसा है नहीं कि जम्मू कश्मीर चला जाएगा, ठीक है, या फिर मतलब अगर रोड ट्रिप करनी हो तो गाड़ियां तो चाहिए, कहीं भी जाना है आजू बाजू जाना है हर चीज़ के लिए, हम हवाई जहाज भी तो चढ़ नहीं सकते ना, हवाई जहाज अगर आपको एरोप्लेन में जाना है तो 2 घंटे तो सिर्फ एयरपोर्ट तक सारे जाने में अपनी चेकिंग में लग जाते हैं, तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, कार निकाली या स्कूटी निकाली चल पड़े, लोकल में तो स्कूटी निकाल के जाओगे, किसके पास कार होगी, पर कार स्कूटी इन सब चीज़ों की जरूरत तो पड़ती रहेगी। हाँ ये प्रॉब्लम है कि पेट्रोल डीजल ये जो फ्यूल खत्म हो गया तो ई व्हीकल पे सारे आ जाएंगे, तो जो प्लेयर है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, इनके पास बहुत पैसा है, तो ये ई व्हीकल लॉन्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये प्लेयर्स हैं, ठीक है। टाटा महिंद्रा इनका मार्केट कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, इनके पास बहुत पैसा है, तो कभी इनको जरूरत भी पड़ेगी तो ये पैसा लगा के ये क्या कर लेंगे, बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, ई व्हीकल बना लेंगे। टॉप प्लेयर कौन है? मारुति सुजुकी, सबको पता, 7215 रुपए का शेयर है, इसने पिछले 5 सालों में 3000 रुपए की जंप मारी है। अब सोचो किस तरह से इसने, जो इन्वेस्टर है जो 5 साल पहले मारुति सुजुकी का शेयर खरीदा, एक जगह मैं पढ़ रहा था किसी ने अगर 5 साल पहले वैगनार खरीदी 2.5-3 लाख रुपए की, या 3-3.5 लाख रुपए की वैगनार आती होगी, अगर उसी पैसे की अगर उसने मारुति सुजुकी की शेयर खरीद लिए होते तो आज वो पता नहीं कितनी वैगनार खरीद लेता है ना, तो ये खेल है शेयर मार्केट का। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स पिछले 5 सालों में 114 रुपये घट गया, बट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी काफ़ी नीचे आ गया था ये, तो 120 रुपये में ट्रेड कर रहा था, जिसने 120 रुपये में ख़रीदा है वो तो काफ़ी सुखी होगा, 5 साल में रिटर्न अच्छे नहीं है, बट ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आने वाले समय में बूम आ सकता है। ये सबकी फेवरेट कंपनी है दो, ये वाली और ये वाली, शेयर बहुत महंगा है। हीरो मोटोकॉर्प 3000 रुपये का शेयर है, ज़रा सोचो रिटर्न देखो, 26 रुपए घट गया है, बट ये बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है दोनों तीनों ही, ठीक है, और ये टॉप प्लेयर्स हैं। फिर आता है पावर सेक्टर, पावर सेक्टर का मतलब आपके घर में बिजली पहुंचती है, अलग अलग वे से पहुंचती होगी, कोई जनरेट करता होगा, कोई ट्रांसमिट करता होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूट करता होगा, तो ये कंपनीज पावर सेक्टर में आती हैं, पावर ग्रिड, NTPC, ठीक है, CSEL, NHPC, अडानी, PFS, ये जितनी भी कंपनीज आपके सामने, टाटा पावर, रिलायंस पावर की तो हालत ठीक ठाक सी है, खराब हो गई है थोड़ी, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं जो जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनमें ये सेक्टर थोड़ा सा हमेशा है, क्योंकि बिजली के बिल लोग जनरली नहीं भरते, तो इस वजह से इनके ऊपर डेट बहुत होता है, बहुत धीरे धीरे लोग बिजली के बिल भरते हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कई जगह, वो बिजली के बिल पेंडिंग पड़े रहते हैं, रिकवरी नहीं हो पाती, तो ये ज़्यादातर इनमें यही प्रॉब्लम रहती है कि बिजली के बिल नहीं भरे तो इनमें डेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्पेशली वो कंपनियां मारी जाती है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं, जो आगे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिजली को, वो कंपनियां मारी जाती हैं, इसलिए इनमें शेयर प्राइजेस ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, ये थोड़ा सा ही सेफ है, PSU में डालोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनमें टॉप प्लेयर्स को देख लेते हैं, इनमें सबसे पहले अडानी ट्रांसमिट, इसने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल, ज़रा सोचो 5 साल में 1578 रुपये बढ़ गए, मतलब इस शेयर प्राइस 5 साल पहले मुश्किल से 100-150 रुपये थी, 100-150 रुपये थी, मुश्किल से 100 रुपये भी नहीं थी, 1578 घटाओगे तो कितना बचा लास्ट में, अरे बाप रे, ये शेयर अगर देखोगे तो 35 रुपए का शेयर था 5 साल पहले, 35 रुपए, मतलब 5 साल इसी ड्यूरेशन के अंदर 5 साल के लगभग ही 35 रुपए का शेयर 1613 रुपए का हो गया, जरा सोचो क्या प्रोग्रेस है, इसलिए अडानी जी इतने ऊपर चले गए हैं, है ना, मतलब अमीर हो गए, ऊपर मतलब वो नहीं, अमीर हो गए, है ना, क्योंकि लुक एट इट, जो शेयर 35-33 रुपए का हो, 1500 रुपए 1613 रुपए का हो जाए, तो जरा सोचो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो इन्वेस्टर थे उनको क्या प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं
एक है हमारे पास पावर ग्रिड पीएसयू है, पिछले 5 साल में 89 रुपए पड़ा है। ये सेफ कंपनी है, पीएसयू है, इसमें आप पैसा लगाइए, आप आपका पैसे का कम से कम ऊपर नहीं जाएगा, नुकसान नहीं होगा। एनटीपीसी सबकी फेवरेट कंपनी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल, लेकिन समस्या है कोल खत्म हो गया तो क्या होगा, वो बाद में है, लेकिन अभी 5 साल का रिटर्न 8 रुपए से घटा है इसका, बट ओवरऑल डिविडेंड इनके बहुत अच्छे होते हैं जो पीएसयू होते हैं, है ना। फिर आता है टेलीकॉम सेक्टर, बहुत रिस्की सेक्टर है बट कईयों ने इसमें भी इन्वेस्ट करके रखा है। टॉप प्लेयर्स आपके सामने हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेयर्स हैं इनके, बट मैंने नहीं खरीदे हैं, बट अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो। इनमें सबसे पहले टॉप प्लेयर है रिलायंस जियो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही आता है, तो जो उसका प्राइस है वही इसका प्राइस है, ठीक है। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक पार्ट है, उसी का ही शेयर का प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय एयरटेल 541 रुपये का शेयर है, ये बहुत रिकमेंडेड है, जो काफ़ी लोग एयरटेल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। और फिर आता है वोडाफोन आइडिया, 9 रुपये का शेयर, बताओ जरा देखो, ये टॉप प्लेयर्स आता है और वोडाफोन आइडिया का 9 रुपये का शेयर, मात्र 9 रुपये। 5 साल के रिटर्न बड़े खराब है इसके, 51 रुपये नीचे आ गया है, बहुत रिस्की है, इसलिए 5 साल के रिटर्न देख लो एयरटेल के, 213 रुपये, तो एयरटेल इज मच बेटर देन दीज कंपनी। और जियो के रिटर्न तो माशाल्लाह, बट जियो एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज में आता है तो इसलिए उसके माशाल्लाह। फिर उसके बाद आते हैं आईटी सेक्टर, ये फेवरेट है आईटी सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर है TCS, Infosys, Wipro, L&T Info, HCL, Mindtree, Tech Mahindra, एक और कंपनी अभी आई है Happiest Mind, ये कंपनी है जो भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है वो, ये मेरा फेवरेट सेक्टर है। और इसमें अगर आपको लीडर देखना है तो TCS टॉप पर है, ऑब्वियसली टाटा की कंपनी है, यहाँ से तो बहुत, अगर आप देखोगे तो 3279 रुपीज़ का है, और अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का रिटर्न देख लो, 2000 रुपये का बूम आया है, 2000 रुपये ये बढ़ा है। अब आते हैं अपन इंफोसिस पे, ये मेरा फेवरेट शेयर है, मैंने TCS में ही लगा रखा लेकिन इंफोसिस मैंने होल्ड करके रखा है, मेरा फेवरेट शेयर है, पिछले 5 साल में 856 रुपये बढ़ गया है ये शेयर, तो इंफोसिस में आप लगा सकते हो, अभी महंगा हो गया है। पर इससे एक और HCL का शेयर है, ये देखो पिछले 5 साल में 600, अब बताओ इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, इसने 2000 रुपये अपनी कीमत बढ़ाई, इसने 856 रुपये बढ़ाई, इसने 600 रुपये बढ़ाई, पिछले 5 सालों के रिटर्न जरा चेक करो।